ऐतिहासिक सूर्यकुंड धाम पोखरे में दीपावली के दूसरे दिन गुरुवार को दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन संस्कार भारती द्वारा किया गया। दीपोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ल ने पोखरे में बने भगवान की आरती के बाद दीपोत्सव का शुभारंभ किया। हजारों की संख्या में भक्तों ने दीपोत्सव में हिस्सा लिया और 1.25 लाख दीपों से पोखरे को सुसज्जित कर दिया। दीपोत्सव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर अन्य अतिथियों में महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व महापौर एवं उत्तर प्रदेश महिला राज्य आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे सहित अन्य अतिथि, हजारों की संख्या में महिला और पुरुष दीपोत्सव में शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य अतिथि श्री प्रताप शुक्ल ने कहा, संस्कार भारती परिवार के समस्त सदस्यों से आग्रह है कि कृपया पुरुष करते हुए संस्कार भारती के पुरुष नए तमाम जो हमारे सदस्य गए हैं भारत के नवजीवन में
मुकेश विनायक खांडेकर जी, कृपया आपकी हम सभी अब हमारे बीच में हमारे यजमान जन उपस्थित हैं और हम अतिथि तो नहीं कह सकते, लेकिन परंपरा के अनुसार हमको अतिथि कहना। देखिए, इस पोखरे का बड़ा पौराणिक महत्व है। कभी कभी लोग कहते हैं रामायण कालीन, कभी कहते हैं महाभारत कालीन, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ की स्थानीय जनता और संस्कार भारती, ये दोनों अपने को इस पोखरे से जोड़ करके इसकी महत्ता को और बढ़ाते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से पूरी स्थानीय जनता अपने घर से निकल करके आज एक एक दीप लेकर के संस्कार भारती के माध्यम से यहाँ जलाने का कार्य करती है। मैं पिछले वर्ष भी आया था, इस वर्ष भी हूँ और इतना अद्भुत कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के मुझे भी प्रसन्नता होती है कि हम लोग अपनी संस्कृति को एक धरोहर के रूप में सजोने का काम करते हैं। तो उस निमित्त आज हम यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ के स्थानीय जनता, संस्कार भारती के पदाधिकारी सभी हैं। मैं संस्कार भारती के पदाधिकारियों को, यहाँ के स्थानीय जनता को साधुवाद देता हूँ कि कितनी तैयारी के साथ, कई दिनों से तैयारी करके फिर आज का यह कार्यक्रम संपादित करती है और अपने पुराने संस्कारों को एक बार बताती है कि नहीं, हमारा संस्कार आज भी सुरक्षित है।